जय जगन्नाथ। सर्जन आपण माने जानिथिबे आमर विविध विषयवस्तु को आधार करी ए महाग्रह लग्न रे आमे आपण मानक निकटरे क्रियदंशमूलक कहानी जगन्नाथंकर रथयात्रार रहस्य एवं बहुविध भक्त मानंकर जीवनर एक प्रच्छद भूमिका एवं रथयात्रा मानवीय लीलार परिप्रकाश को आधार करी वर्णना देउथिले। किंतु सेई आधार रे आज जणे भक्तर कथा को आमे आपण मानक निकटरे उपस्थापन करियु। ओडिशा रे एई भली जणे भक्त जे कवि पालटी जाई गीत गोविंद रचना करिछंती एवं जेउ गीत गोविंद को सुनिबा पई महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ रत्न सिंहासन को पछ करी देई बाईगण कियारी रे उभाले एवं बाईगण कंटा लागी जाई उठिले रत्न सिंहासन को पंडा पड़ियारी माने आतुल निवेदन कले यार रहस्य को बुझी आसी बाईगण कियारी रे पहुंचिथिले। जेउ गीत गोविंदर मधुर ललित पदावली को पूरण करिबा पई भक्त कवि जयदेवंकर कलम चालित हेला नाही। शेषरे जयदेवंकर रूप को धरी आसी भगवान श्रीकृष्ण अधा पदपंक्ति को पूर्ण करि दे चलीगले स्वरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लव मुदारम देही पदपल्लव मुदारम। से ही भक्त कवि जयदेवंकर गीत गोविंदर आजिकार स्वतंत्र उपस्थापना। भक्त कवि जयदेवंकर गीत गोविंदर प्रेमरे जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर निकटरे गीत गोविंद श्रेष्ठ पदावली। गीत गोविंद शुणिले पहड़ जाती गीत गोविंद शुणिले उठती गीत गोविंद नीति कांति एवं सेवा भितर एमती जड़ित हो जाइए। गीत गोविंद प्रमुख आधार रही से गीत गोविंदर कथा आ भाव को नहीं आजिकार आलोचनार परिवेश उपस्थापन करने आम गहन में उपस्थित अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महोदय आपण को स्वागत करुच्छू आमर ये आसर को। आम प्रारंभिक पर्यायर प्रोफेसर शतपथी ठार् जानवाक चाहिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं गीत गोविंद गीत गोविंदर रचयिता जयदेव एवं गीत गोविंद अनेक स्तुति ओडिया साहित्य फुटी उठी अनेक कहानी अनेक स्तव अनेक मंत्र थाउ थाउ अनेक जनान थाउ थाउ ये गीत गोविंदर प्रकृत महात्म्य कौन ये गीत गोविंद श्रीमंदिर सहित जड़ित केमिति ये गीत गोविंद को महाप्रभु जगन्नाथ कहीं भल पाती से संपर्क में आज उपस्थापना प्रोफेसर शतपथी। धन्यवाद ज्ञानानंद बाबू। श्री जगन्नाथ संस्कृति ऐतिह परंपरा एवं जानीजात्रार इतिहास गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अध्यायर आपण आज अयम आरंभ करिसंति। गीत गोविंद भक्त कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंद से पुणी तांकर गीत गोविंदर प्रेम रे जगन्नाथ सबुबले पागल हो जाइंट केवल बैगण क्यारी से जाना प्रति मुहूर्त तांकर जीवन सहित ये गीत गोविंद ओतप्रोत भाव जड़ित कहीं गीत प्रिय गोविंद गोविंद हूँ गीत प्रिय एवं से गोविंद किए आपण जदि देखिबे जो चतुर्धा मूर्ति रही जो पूजा करा जाए चारिगोटी बीज मंत्र रही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जमती बलभद्रंकर रही भुवनेश्वरी जमती रही सुभद्रांकर सेमती जगन्नाथंकर बीज मंत्र हेउची ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा जे यही जो गोविंदाय ओं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय गोविंद शब्द से रही तेणु से गोविंद हूँ स्वयं जगन्नाथ एवं से जगन्नाथ जहाँ को कह जाए संगीतर सम्राट। शंकराचार्य निजर स्तुति रे कही प्रथम श्लोक कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कबरौ मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप। से संगीतर सम्राट से हूँ संगीतर जड़े रसिक व्यक्ति से हूँ रसिक आम रासलीलार कथा कौचु रासलीला से ही करें जी रसर महत्व बुझिथे जी जीवन महत्व बुझिथे इतर तापसता निज दृच्छया वितरता नि सहे चतुरानन अरसिकेशु रसस्य निवेदनम शिरति मालिक मालिक मालिक। कवि माने कहिसंति समस्त दुख दे दियो किंतु अरसिकंक निकटरे मोर परिवेषण बा मोर कथोपकथन मोर भाव विनिमयर अवसर आपण सृष्टि करंतु नाही। भगवान रसिक भक्त माने रसिक गोटे रसर आडंबर चली थाए जो कथा
आमे पूर्वर आपण मानू कहीलु रासलीला चली थाए से शरत रासलीला हो पारे से बसंत रासलीला हो पारे से प्रावृत बा आषाढ़ रासलीला हो पारे तेणु ये लिखिंट देखत ऐतिहासिक दृष्टि जदि बेचना कराए जो भक्त कवि जयदेवंर कथा कहले जे ओडिशार जन्मग्रहण करते भक्तमालार स्पष्ट भाव में जगन्नाथ पुरी प्रांत देशी चैब उत्कला भीते केन्दुबिल्व इति ख्यात ग्राम ब्राह्मण संकोल तत्रोत्कले द्विजो जात जयदेव इति स्मृत वेदाभ्यास रतः साक्षात पुरुषोत्तम पूजक जो केन्दुबिल्व अंचल उत्कल से जन्मग्रहण करते द्वादश शताब्दी से द्वादश शताब्दी इतिहास कहे पुराण रे तो बहु वर्ष तलर यह मंदिर या ऐतिहासिक मानक दृष्टि जे से ही द्वादश शताब्दी रे अनंत वर्मा चोड़गंगा देव आज जो मंदिर पूरी क्षेत्र में आप देखुं से मंदिर को से या जोबले तार प्रतिष्ठा हुए से भक्त जे कि प्राची नदी तीर तांकर समस्त काव्य कविता सारस्वत साधना जी करुले जोटी माधव संस्कृतिर अत्यंत प्राचीन माधव संस्कृतिर जी हूँ गंताघर से ही स्थल से जेतेबले देखिले जे मंदिर प्रतिष्ठा होते निर्माय गीत गोविंदम पुस्तकम पुरुषोत्तमे निवेद्य कृतकृत्योभूत जयदेव महामना निजर सारस्वत जीवन सर्वस्व को सी से समर्पण कर गीत गोविंद को रचना करस से सृष्टि करने मेघेर मेदुर मंबरम बरभुव श्यामा तमाद्रुमे रणक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नंद निदेश ततश्चलितयो प्रत्यत्व कुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर् जयन्ति जमुना कूळे रहकेळय यहाँ मध्य प्रावृत रासा को संकेत करुछि तेणु सेतिक बेले पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिकी गीत गोविंद रचना करिकी भगवान को निकट रे से संपूर्ण भाव समर्पण करते खाली समर्पण करे सहधर्मचारिणी सहधर्मिणी पद्मावती सी हूं विशिष्ट नृत्यांगना पद्मावती पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती से ही गीताप्रिय गोविंद संगीतर सम्राट महाप्रभु जगन्नाथ निकट में ये लेखु था से नाचु था ये बोलु था से नाचु था बाद्य करु था संगीत संगीत हूँ तीन प्रकार गीतं वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते संगीतर अर्थ हूँ गीत रही वाद्य रही नृत्य रही संगीत आम कही खाली गीत को संगीत कह जाए तेणु ये जो संगीतर सम्राट को से जेतेबले दे दौ था से अति आनंदित हो जाए तेणु तार परंपरारे आपण जहाँ आज कहले ज्ञानानंद बाबू जे आज सका जोबले द्वार फिटा हे गीत गोविंद पठा पाठ पढ़ा जा श्रीता कमला कुच मंडल जहाँ आम जय जगदीश जोबले श्रृंगार बेष होते शयन कक्ष को जीवे बड़ श्रृंगार बेष होयन कक्ष को जीवे विश्राम को से देवदासी मैंने नृत्य करके सका भक्त मैंने नृत्य करुवे जय जगदीश एवं संध्या राति बड़ श्रृंगार बेष पर देवदासी मैंने नृत्य कर सही गीत गोविंद पाठ करुवे एवं सी जो गीत गोविंद रचना जो गीत गोविंद जहाँ कहले दुईटी कारण जो सी तर अत्यंत प्रिय गोटे हूँ रस गोटे हूँ माधुर्य तार ताल तार लय तार रस यो कर गीत गोविंदर जो विशेषत्व रही जदि हरिस्मरण सरसंगमन जदि विलास कला सुकुतूहल सरस कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जयदेव सरस्वती जयदेवंकर सरस्वती जो काव्य जो कविता से सरसता रही कोमलता रही कांत कमनीयता रही ये हूँ भगवान हूँ सरसतार ठाकुर भगवान हूँ सुंदरतार ठाकुर भगवान हूँ कोमलतार ठाकुर भगवान हूँ संवेदनशीलतार ठाकुर भगवान हूँ रसर ठाकुर एवं श्रृंगार ये श्रृंगार नुहे हूँ माधुर्य ये केतक कहते श्रृंगार देव देवी भितर जो लीला घटी थाए जो शक्ति एवं शिवंक भितर जो अपूर्व मिलन घटी थाए प्रकृति एवं पुरुष भितर जो अपूर्व मिलन घटी थाए सी श्रृंगार नुहे सी रति नुहे सी हूँ माधुर्य भाव से हूँ औदार्य से कारण भगवान हूँ अनंत सौंदर्य अनंत ऐश्वर्य अनंत माधुर्य अनंत वीर्य
अनंत ज्ञान एवं अनंत वैराग्य यही छ गोटीर जो आधार से होंगे समन्वय तेणु आपको भग कवा जाए ये छुकी भग कवा जाए ये भग जहाँ अच्छी से भगवान तेणु सी होंगे आज अत्यंत प्रिय जहाँ कहले जेतेबेले शाग कियारी रे बाईगण कियारी रे जणे तोळुचंती बाईगण तोळुचंती एवं बोलुचंती रति सुख सारी गतम अभिसारी मदन मनो परवेशम नकुरु नितम विनिगमन विलंबन मनुषरतम हृदये सम धीर समीरे जमुना तीरे बसति वने वनमाली यही जेतेबेले बोलुचंती बोलिकिरी बाईगण तोळुचंती जगन्नाथंकर रत्न सिंहासन टळबळ हे जाउछ संगीतर सम्राट शुणी जाउचंती तांकर केवल कान को नुहे कान को सुंदर दिशुनी हृदय विगलित हो जाउची मन आंदोलित हो जाउची मु चली जीवि सही जगार जोठी संगीत रही मनीषर जीवन निरर्थक मनीषर जीवन असंपूर्ण जदि साहित्य नाई संगीत नाई साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पिछ विचारण ही न एवं जयदेव गीत गोविंद हूँ साहित्य एवं संगीतर एक अपूर्व समन्वय जो थे कि रही कहते वर्तमान 22-24 गीत रही आम पाठातर रही 72 श्लोक ठूँ आरंभ कर 98 श्लोक पर्यंत रही विभिन्न रागरे विभिन्न तालरे से गीत गुड़िक जितेबले बोला जा विश्वर एभली कौन सी रंगमंच नाई जेउठी आमर से रंगमंच सार्थक हम ना जेपर्यंत गीत गोविंदर गीत बा नृत्य परिवेषण करा जाए ना तेणु से होंगे से गीत प्रिय से चलीगले पटवस्त्र चिरी जाइला जितेबले पुणी राति गीत शुणिकी फेरी आसी समस्त हालहोल पड़गला कहीं ये पटवस्त्र परवर्त पर्यायर से जड़ेदे आज से लिखुं आज दशावतार मठ मध्य रही जोठी से रहीकिरी गुंडीचा मंदिर कथा जो आमे सूचना दौथुलु से पाखरे दशावतार मठ जोठी जयदेव रहीकिरी से भक्त कवि भक्तिर हृदय भक्तिप्लुत हृदय जो गीत को से कर तेणु अनंत वर्मा चूड़ागंगा देव जेतेबेले मंदिर तयारी करतीके बेले ये आसुचंती गीत गोविंद को समर्पण करुचंती नृत्य समर्पण करुचंती संगीत ताल लय सबकि संगीत करुचंती भागवत कहुचि नृत्यताम श्रीपते रग्रे ताल लय समन्वित ही उड्डियंते शरीरस्ता सर्वे पातक पक्षिण तुम्हें खाली ताल लय रे भगवान को निकट रे तुम्हें नृत्य परिवेषण कर ना समस्ते नृत्य करें नृत्य हूँ ये ये सृष्टि नृत्य रु आरंभ हो सृष्टि संगीत रु आरंभ हो सृष्ट ओंकार नाद रु आरंभ हो जगन्नाथ महाप्रभु नृत्य प्रिय माधव महाप्रभु नृत्यरत हूँ पहंडी से आसला बेले नृत्य करती ताहिया हलाई हलाई नृत्य करती श्री जगन्नाथ संस्कृति सहित अंगांगी भावरे अन्य कौनसी संस्कृति अन्य कौनसी स्तुति स्तव जड़ित होता कि न होता किंतु जगन्नाथ संस्कृतिर अंगांगी भावरे जड़ित होई भक्त कवि जयदेवंकर गीत गोविंद श्री जगन्नाथ दारुब्रह्म महाप्रसाद अर्णब्रह्म गीत गोविंद संगीत ब्रह्म एवं देवदासी नृत्य ब्रह्म एवं महाप्रसाद अर्णब्रह्म एवं भागवत शब्द ब्रह्म राम हेले सगुण ब्रह्म एवं शिव हेले निर्गुण ब्रह्म ब्रह्ममय रूप को धारण करी दारुब्रह्म जो ब्रह्मात्मक लीला प्रकाश करिछंती नीलकंदर रे ताहा ब्रह्मात्मक को पालटी जाउछि ब्रह्मंकर अपूर्व सत्ता रे तेबे ये तात्विक विश्लेषण अनेक रहिले मध्य ओडिया जाति किछि बुझेना महाप्रभु को देखिदेले आखिरु अपलक नेत्र रे दुई टोपा अश्रु विगलित हो जाए बसिथिले ठिया होइकि गीत गोविंद पाठ करे श्रीत कमला कुचमंडल हे द्रुत कुंडल हे कलित ललित वनमाली जय जय देव हे सर अनेक गीत को बसिकी पाठ करा जाउथिला बेले गीत गोविंद को काहेकि ठिया होइकि जगन्नाथंक निकट रे पाठ करिवार ए परंपरा रहिछि एवं गीत गोविंद काव्य रे या महाकाव्य कि काव्य ताहा एक आलोचना सापेक्ष एवं श्रृंगार प्रधान बोली कहा जाउथिला बेले भक्ति रसर माधुर्यता ए गीत गोविंद रे केउं बोली भाव रे प्रतिपादित होईछि से संपर्क रे आपण टिके अवगत करांतु देखंतु ज्ञानानंद बाबू आपण खूब सुंदर कथा उत्थापन करिसेंती
गीत गोविंद ठिया होकर पाठ करा जाउछि ठिया माने से होउछि गोटे दंड नृत्य आमे गोटे नृत्य भंगी रे रहिछु ये समग्र हृदय आवेगपूर्ण हृदय रे आमे तांकु विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग को आमे सदुपयोग करिकिरि ये गीत को तांक निकट रे समर्पण करू जो श्रृंगार कथा कहते कई श्रृंगार शब्द कह जत गांधर्व कलासु कौशल मनु ध्यानम चत वैष्णवम ये कथा कह श्रृंगार विवेक सारमपि जत कृष्णेकता नात्मनः सी सब कह श्रृंगार रसर कथा कह गांधर्व कलार कथा कह वैष्णव दर्शनर कथा कह किंतु तथापि ये जो श्रृंगार ये होची मानवीय लीला तो भगवान करती किंतु ये होची अति मानवीय श्रृंगार जहाँकु छड़ गोस्वामी माने मधुर रस कही जहाँ आपण माधुर्य शब्द कहले सरस कोमल कांत पदावली ये होची माधुर्य जो रही से आम भक्ति रस बिले कि जो भक्ति जहाँकि भक्त जयदेवंकर जहाँ विशेषण आम कहे एवं तांकर विशेषत्व होची जे सी होचंती भक्त कवि भक्त कवि आपण जो पदटी को कहिले जेते बले से चाहूतिले जे नारी शक्तिर ये नारी सशक्तिकरण एक महाकाव्य द्वादश सर्ग विशिष्ट एवं जो कथा कहूतिले जे 72-76 टू आरंभ करिकिरि 1998 पर्यंत श्लोक रहिची 24 गीत रहिची अष्टपदी रहिची एवं ये होची कौन ना गोटे नारी शक्तिर सशक्तिकरण प्रथम श्लोक आपण देखते से राधा शक्ति को गीत गोविंद होती जयदेव होती प्रथम कवि भारत बर्षर जे कि राधा तत्व को आनी भागवत राधा शब्द ना भागवत जोटा आराध्यते नहींक्री वैष्णव मैंने व्याख्या करी से राधा बोलिकाए कि जड़े रहस्यमय नारीर चरित्र वर्णना करसलीला समय किंतु राधा किंतु राधा को प्रथम थर पाई जे आनी परवर्ती पर्यायर चैतन्य राय रामानंद बा अन्न माने से माने सब राधा तत्व को नहीं ये राधा तत्व को नहीं भगवान जो लादिनी शक्ति भाव राधा माधवयु से कहते राधे गृहम प्रापय जे हे कृष्ण नंद कहते ये कृष्ण वर्तमान एभली मेघेर मेदुर मंबरम वनभुव श्यामस्तमा ध्रुवम गोटे भयर वातावरण सृष्टि आकाश मेघाच्छन्न हो गला जे बिजुली मारुची घड़घड़ी मारुची ये कौन होना मेघेर मेदुर मंबरम वनभुव श्यामस्तमा ध्रुवी नत्तम भीरुरयम ये जो छोटिया नंद नंदन कृष्ण ये टे भयभीत हो जाऊँगी तेणु राधे गृहम प्रापय ताकु तुम्हें डेस्टिनेशन लक्ष्यस्थल को नहीं जाओ अर्थात कौन से पुरुष जदि तार साफल्य लक्ष्यस्थल को जीवाक चाहे ताहले तार पछरे गोटे मातृशक्तिर आवश्यकता रही गोटे नारी शक्तिर आवश्यकता रही राधा न चाहते कृष्ण जा घर पहुँची पार ना तेणु आज प्रत्येक व्यक्ति तांकर जदि लक्ष्यस्थल पहुँचवा पाई चाहती नारी शक्ति तेणु से नारी शक्ति को आज जागरण करने से जेतेबले कहिले जे राधा को सी इत भल पाते दाम्पत्य प्रेम लक्ष्मी नारायण हूँ राधा कृष्ण हूँ दरकार त्रेता जुगरे आज जो देवता से रही शिव पार्वती उभय रामेश्वर पाखे रहीकि दाम्पत्यर प्रणय वार्ता को समग्र विश्व को आज प्रतिपादन करते से चाहिले जे मु चाहूची जे राधा होती कृष्णंकर उपरे किंतु कृष्ण होती जगतकर्ता जगत नियंता जोगेश्वर सी होती सच्चिदानंद परम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्य मुझे केमी तले रखिकी राधा उपर नी कि भक्ति प्रणय दाम्पत्य प्रणय बा समाज रे शांति प्रतिष्ठा करने मनीष जीवन रे आनंद भरी दबापाई जे ये प्रणय को शीर्ष स्थान को नापाई ये जो डिवाइन प्रणय दिव्य प्रेम को अप्राकृत प्रेम को आज से शीर्ष स्थान को नापाई जितेबले जयदेव चाहिले जे कृष्ण कहतु जे हे राधे तुमर पद पल्लव देही पद पल्लव मुदार मम शिरसी मंडनम स्मर गरल खंडनम मु तुम प्रति आसक्त हो जाए
ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପଦ ପଦାଘାତ ନ କରିଛ, ତୁମର ପଲ୍ଲବ ପାଦ ପଲ୍ଲବ ମୋର ମସ୍ତକରେ ନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କାମର ଯେଉଁ ଗରଳ ବିଷ ଆଜି ମୋର ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି, ସେ ଆଜି ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍, ମୋର ମଣ୍ଡନ ମୋର ଶିରସିରେ ମୋର ମସ୍ତକରେ ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ତୁମର ପଦ ପଲ୍ଲବ ଆଜି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୁଏ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, କଲମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ କଲମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନା ମୁଁ କଦାପି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ରାଧାଙ୍କର ପାଦକୁ ରଖିବି ନା, ମୁଁ ଏ କଥା ଲେଖିପାରିବିନି। ଭାବନାକୁ ଆସିଛି ସତ, ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଛି ଠିକ୍ ଭାବନା। ପଳେଇଲେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା କରିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ନିଜେ ଜୟଦେବ ରୂପ ଧରିକିରି, ଯାହା ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ତୁମେ କହୁଥିଲ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୋଥିଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି, ସେ ତାଙ୍କର କଲମ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା, ଆରେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଫେରି ଆସିଲି, ମୋର ସେ ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଣ ତ ସେ ପୋଥି, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଲ ପୂରଣ କରିଦେଇକିରି ଚାଲିଯାଏ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟେ ଚାରୁ ଶିଳେ ଗୀତର ସେଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍, ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ଉଦାରମ୍। ଭାବିଥିଲେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଲେଖନି ଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅତି ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ରସର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେଠି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି। ଅତୁଳମ୍ ଯତ୍ର ତେଜ ସର୍ବଦେବ ଶରୀରଜମ୍ ଏକସ୍ତମ୍ ତଦ୍ଭୁତ ନାରୀ। ନାରୀ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ଏ ବିଶ୍ୱର, ସେ ସମଗ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ବ୍ୟାପ୍ୟ ଲୋକତ୍ରୟମ୍ ତୁଷା, ଯାହାଙ୍କର କିରଣ ଯାହାଙ୍କର ତେଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିକିରି ରହିଛି, ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ରସାତଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣ ଆଣ ପଦ୍ମା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମା ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୋଥି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲେଖନୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍, ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ଉଦାରମ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ, ସ୍ନାନ କରିକିରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜୟଦେବ ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମା ଆସିଗଲି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିସାରିକିରି, ନା ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ଇଏ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଲ ଦେଲ ଆଣିଲ ପୋଥି ଆଣିଲ, ମୁଁ ତ ଆସିନି, ମଝିରେ ଆସିନି, ଦେଖିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ହେଇ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ ଉପାସନା। ମାଧବ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇଛି, ଜଗଦୀଶ ଶବ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତ ଥାଏ। ଏକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତ ସୁପ୍ରଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ଚ କାମଦୁଗ୍ଭବତୀ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଭାଗବତ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶବ୍ଦମୟୀ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଶବ୍ଦରେ ଏଭଳି ମାଦକତା ଥାଏ, ଏଭଳି ମଧୁରତା ଥାଏ, ଏଭଳି ସରସତା ଥାଏ, ଏଭଳି କୋମଳତା ଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନେ ପାଗଳ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବାଳ ବୃତ୍ତ ବନିତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ଚିତ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ରାଟ, ଯିଏ ଗୀତପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ କଥା ସରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେହ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗର ରୋମକପିଅ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୟଦେବ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଶି ରାଶି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ଜୀବନ କଥାକୁ ନେଇ।
କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରସକଲ୍ଲୋଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାଟରେ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବୋଲି ବିଚାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ। ନିଜେ ଜୟଦେବ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ସୁ କୌଶଳ ମନୋ ଧ୍ୟାନମ ଚ ଯଦ ବୈଷ୍ଣବ ଯତ ଶୃଙ୍ଗାର ବିବେକ ସାରମ ଅପି ଯତ କାବ୍ୟେଷୁ ଲୀଳାୟିତମ ତତ ସର୍ବଂ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତ କବେ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦତଃ ସାନନ୍ଦମ ପରିଶୋଧୟନ୍ତୁ ସୁଧିୟଃ କୃଷ୍ଣୈକତାନାଥ ମନଃ।